प्रीत्वाहं ते सुरोत्तमा वरं वृणीस्वाभिमतं कामपूर्वस्म्यहं नृणां। ठीक है, पढ़िए। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा,
अनुवाद। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, प्रहलाद, हे प्रहलाद, भद्रा, तुम मंगल स्वरूप हो, भद्रं ते तुम्हारा कल्याण हो, प्रीतो प्रसन्न अहम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे अश्रोत्तमा, हे अश्रु में सर्वश्रेष्ठ, वरम वृणीस्व, आशीर्वाद मांगो, अभिमतम, जो तुम्हारी इच्छा हो, काम पूरा, कामनाओं की बाढ़ है, अर्थात समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला मैं हूँ। निर्णाम सभी जीवों का, श्री भगवान प्रहलाद महाराज से बात कर रहे हैं। इसके पहले हिरण्यकश्यप की कथा बीत चुकी है,
वो ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा है अजर अमर होने का, लेकिन अंत में मर ही गया, कोई आशीर्वाद सफल नहीं हो पाया। और उसकी मृत्यु हो गई, भगवान ने नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर दिया। सभी देवताओं ने, मुनियों ने धन्यवाद दिया भगवान को, बहुत खुशी मनाई कि इस हिरण्यकश्यपु की मृत्यु हो गई, ये बहुत अच्छा हुआ। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद उसके विषय में सभाएं होती हैं, तो हिरण्यकश्यपु तो विश्वविख्यात दैत्य था, उसके मरने पर देवताओं की सभा में खुशी होने लगी। सबने अपना अपना दुख बताया भगवान, सबने अपना अपना दुख बताया और उसकी मृत्यु से अपनी खुशियां बताई। अंत में श्री प्रह्लाद महाराज भगवान को प्रणाम किए और भगवान का क्रोध समाप्त हो गया, प्रसन्न हो गए। सभी देवता इसी चक्कर में थे कि भगवान प्रसन्न हो जाए, वे बहुत क्रोध में थे। दैत्यों का वध कर दिए, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिए, उसके बाद भी उनका क्रोध समाप्त नहीं हो रहा था। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रह्लाद, तुम्हारे पिता के कारण भगवान बहुत क्रोध में हैं, तुम उनको शांत करो। स्वयं ब्रह्मा जी को हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वे भगवान के निकट जाएं प्रणाम करने के लिए। शंकर जी, भगवान इंद्र और ब्रह्मा जी, ये सब लोग बहुत दूर खड़े होकर के भगवान को नमस्कार कर रहे थे, निकट आने की हिम्मत नहीं थी, इतना भयावह रूप था भगवान का। ब्रह्मा जी ने इतना भी आग्रह किया माता लक्ष्मी से कि माता तुम भगवान को शांत करो। वे चली शांत करने के लिए, लेकिन निकट से जब भगवान के दांत को, आँख को देखा, तब उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये हमारे पति हैं। उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसा रूप कभी देखा नहीं है। वे निकट जा करके भी बहुत निकट नहीं जा पाई। भगवान उस समय भी लक्ष्मी जी पर भी बड़े क्रूर दृष्टि से देख रहे थे। तब प्रह्लाद महाराज ने प्रणाम किया भगवान को, तो भगवान शांत हो गए। प्रह्लाद महाराज को उन्होंने उठा करके गोद में रख लिया, जैसे सिंह अपने बच्चे को चाटता है वैसे प्रह्लाद को चाटने लगे। और उसी समय भगवान ने प्रह्लाद महाराज से कहा, बेटा प्रह्लाद, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम डरना मत। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
यद्यपि तुम असुर वंश में जन्म लिए हो, फिर भी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। प्रीतोहम ते असुरोत्तम, ये असुरोत्तम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे कोई आशीर्वाद मांगो, वर मांगो। मैं देना चाहता हूँ, देने की इच्छा है। और वैसे मैं समस्त जीवों का काम पूर हूँ, काम पूरा अस्मि। पूर का अर्थ होता है बाढ़, पूर का अर्थ होता है पूरा करना ही नहीं, मैं बाढ़ हूँ। समस्त कामनाओं को पूर्ण तरह से पूरा करता हूँ। काम पूरा है उसमें, काम को पूरा नहीं किया जा सकता। भगवान ने गीता में कहा है, यह काम कामना आग की तरह है, जितना भी प्राप्त हो, कामनाएं पूरी होती हैं और कामनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं इस तरह से जीवों की कामनाओं को पूरा कर सकता हूँ कि फिर वो बाकी नहीं रहे। काम पूरा अस्मि, मैं निलाम जीवों का काम पूरा हूँ, उनकी कामना पूरा कर देता हूँ। अतः तुम्हारे हृदय में अगर कोई इच्छा है, तुम देख लो अपने हृदय को, यदि कोई इच्छा है तो हमसे मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भगवान निहोरा कर रहे हैं, कुछ मांगो। तो इसको सुनकर प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि हमें कोई इच्छा नहीं है। यदि कोई मनुष्य अपनी इच्छा को पूरा कराना चाहता है आपसे और तब आपकी भक्ति करता है तो वह बनिया है, कोई भक्त नहीं है। मैं इसलिए भक्त नहीं हूँ कि मैं अपनी इच्छा की पूर्ति आपसे कराऊँ। मैं आपका निष्काम भक्त हूँ। मैं जानता हूँ आप स्वामी हैं, इसलिए स्वामी नहीं बने हैं कि जीवों की इच्छा पूरी करें। आप अनपेक्ष हैं, कोई आपकी सेवा करे या न करे, आप स्वामी हैं। और मैं भी निष्काम भक्त हूँ, मैं आपसे कोई वस्तु नहीं चाहता। फिर भी भगवान ने कहा कि मुझ पर विचार करो, मैं समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला हूँ, ईश्वर हूँ, मुझे प्राप्त करने के बाद किसी भी मनुष्य को अपने विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री प्रहलाद महाराज ने कह दिया
मैं पूरा विचार कर चुका हूँ, हमको किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अंत में श्री प्रहलाद ने विचार किया कि आखिर हमारे हृदय में कोई कामना छिपी है, तभी भगवान बार बार कह रहे हैं कि मांगो मांगो अभी मत। तब अंत में श्री प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान से, वरम वराय तत्ते वरदे शान महेश्वर, आप सभी वरदानियों में श्रेष्ठ हैं, वर देने वालों के स्वामी हैं, तो मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, एक और वर मांगता हूँ। कोई कामना नहीं प्रहलाद महाराज के, पर भगवान के कहने से उन्होंने कहा ठीक है, आप वरदानियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। प्रहलाद महाराज का यह वरदान उनका अद्भुत गुण प्रकट करता है। भगवान ने गीता में कहा है एकादश स्कंध के अंत में, निर्वैरा सर्वभूतेषु यशः मामेति पांडव, हे पांडव हे अर्जुन, जो निर्वैर है वह मुझे प्राप्त करता है। प्रहलाद महाराज के हृदय में कोई वैर विरोध नहीं था, हिरण्यकश्यपु पूरा विरोध किया प्रहलाद जी का, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, विष खिलाया, पहाड़ से गिराया, हाथियों से कुछ लगाया, क्या क्या उपद्रव नहीं किया, लेकिन ऐसे हिरण्यकश्यपु के प्रति भी प्रहलाद महाराज का मन में थोड़ा भी वैर भाव नहीं था। उन्होंने कभी ये नहीं विचार किया कि हिरण्यकश्यपु हमारा नुकसान किया, उनको बहुत दुख दिया, नहीं, भगवान से उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, और फिर भी अंत में उन्होंने कहा कि एक बार दे दीजिए। वो वर क्या, आश्चर्य से भगवान सुनने लगे, क्या वर मांगते हैं? आप मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए, मेरे चाचा का वध आपने कर दिया हिरण्याक्ष का, इसी कारण से मेरे पिताजी बहुत क्रोध में होते हैं, और इतना ज़्यादा क्रोध कि उसी क्रोध के बस में होकर वे आपका भक्त मुझे दुख भी दिए, मेरे साथ बैर किए। यही मायावध जीवों की दशा है, उसके मन में, मेरे पिताजी के मन में बात बैठ गई थी कि आप असुरों के शत्रु हैं, यद्यपि आप सबके परम हितैषी हैं, फिर भी हमारे पिताजी इस दृष्टि को रखे थे कि विष्णु बहुत बदमाश है, हमारे भाई को मार दिया, तो इसी कारण से आपका भक्त होने पर मुझसे बहुत द्रोह किए।
हे प्रभो, अज्ञान बस जीव कुछ भी गलती कर सकता है, तो आप इस दोष को शुद्ध कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। प्रहलाद जानते थे कि भक्त का अनिष्ट करना बहुत दुस्तर पाप है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का बहुत बड़ा अनिष्ट करना चाहा, लेकिन श्री प्रहलाद कहते हैं कि बेचारा अज्ञानी था और भाई के वध से इतना ज़्यादा क्रोध हो गया कि उस क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसी क्रोध के कारण मुझसे भी द्रोह किया। यद्यपि आपके भक्त का द्रोह बहुत दुस्तर पाप है, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो पाप खत्म नहीं होने वाला है वह भी आपकी कृपा से खत्म हो जाए, मेरे पिताजी तर जाए, शुद्ध हो जाए। प्रहलाद महाराज का यह वरदान सभी भक्तों को शिक्षा देने के लिए, कोई कितना भी अपराध करे किसी के प्रति वैर विरोध नहीं होना चाहिए, वैर भाव नहीं होना चाहिए मन में भी। विष्णु पुराण में कथा है छोटी सी, कि एक बार हिरण्यकश्यपु ने कहा अपने गुरुओं से, गुरुपुत्रों से, गुरुकुल में प्रहलाद जी रहते थे, कि कुछ उपाय कीजिए, यह मर क्यों नहीं रहा है। तो गुरुपुत्रों ने विचार किया कि हम उपाय कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की शक्ति से हम एक राक्षसी को पैदा करेंगे और वो इसको मार देगी। इस तरह उन्होंने शुक्राचार्य के जानकारी में नहीं प्रहलाद महाराज को मारने के लिए अभिचार किया, कृत्या उत्पन्न किया, और कृत्या प्रहलाद महाराज के प्रति चली, तब तक चलते इस दर्शन चक्र से जला दी गई। जब कृत्या विफल हो गई तो उसने जा करके गुरुपुत्र को ही, जो लोग कृत्या को उत्पन्न किए थे उसी को मार दी। और श्री प्रहलाद महाराज विनय कर रहे थे, यदि किसी के प्रति हमारे मन में कभी भी द्वेष ना हुआ हो तो गुरुपुत्र जी जाए। यदि सब में मैं भगवान को देखा हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से हमारे गुरुपुत्र जी जाए। तो दोनों जी गए। तो इतना अत्याचार हुआ प्रहलाद के प्रति
हिरण्यकश्यपु के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा अत्याचार, फिर भी प्रहलाद मन में भी नहीं माने कि वो हमारा शत्रु था। निर्वैर सर्वभूत सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव शून्य होना चाहिए। भगवान कहते हैं यह सब मामेति पांडव, वही मेरे पास आता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है, जिसका किसी भी प्राणी के प्रति वैर विरोध वैर भाव नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग थोड़ी थोड़ी बात के चलते किसी व्यक्ति से वैर विरोध कर लेते हैं, वैर भाव कर लेते हैं। एक मन में सोचते हैं कि हमारा अनिष्ट कर रहा है, पर उतना बड़ा अनिष्ट करने वाले हिरण्यकश्यपु के प्रति भी प्रहलाद का यह भाव नहीं हुआ। वे हितैषिता ही करते थे। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से कभी किसी के प्रति वैर विरोध द्वेष नहीं हुआ। सबसे प्रेम हो, सबसे स्नेह हरे हो, और विपरीत व्यवहार करने के बाद भी मन में कोई क्रोध न हो, तो वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। श्री प्रहलाद में यह गुण था। जिस हिरण्यकश्यपु ने उनको इतना दुख दिया, उसके सुख के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पिताजी से गलती हुई, आपके प्रति वैर भाव हो गया, द्वेष हो गया, और आपका भक्त होने के कारण मुझे भी कुछ कष्ट हो दिया, लेकिन आप हमारे पिता को क्षमा कर दीजिए। तो श्री भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे पिता और चाचा की बात तो दूर है, तुम्हारे वंश में 21 पीढ़ी के लोग निष्पाप हो गए। मेरी दृष्टि पड़ते ही हिरण्यकश्यपु का पाप समाप्त हो गया है, क्योंकि इस वंश में, इस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो, तो इस वंश में उत्पन्न होने के कारण वंश में 21 पीढ़ी के लोग निष्पाप हो गए। चिंता मत करो, यद्यपि प्रहलाद महाराज के इस कल्प में 21 पीढ़ी नहीं हुए थे, दो तीन पीढ़ी ही हुए थे, लेकिन भगवान के कहने का आशय कि भिन्न कल्प में, भिन्न कल्प में जब सृष्टि होगी और तुम्हारे संबंध से कुछ जन्म लेंगे,
तो 21 पीढ़ी के लोग तर जाएंगे। तुम पिता के लिए चिंता मत करो, भगवान तो जानते थे कि ये मेरा भक्त था। सनकादि के साप से असुर भाव उत्पन्न हो गया, इस प्रकार श्री प्रहलाद महाराज अद्भुत गुण वाले वैष्णव हुए, अद्भुत क्षमाशील थे, कभी किसी में दोष दृष्टि थी ही नहीं। कृत्या उत्पन्न करने वाले गुरुपुत्रों के प्रति भी इनका द्वेष भाव नहीं हुआ, हिरण्यकश्यपु के प्रति भी नहीं। तो इस तरह ऐसा महान भक्त प्रहलाद, जो आदर्श भक्त हैं, सभी विषय में वे भक्तों के लिए आदर्श हैं। भक्तों को सीखना चाहिए प्रहलाद महाराज के गुण। श्री प्रहलाद के गुण भागवत के सत्रवें स्कंध में दिए गए हैं। बारंबार पढ़ना, विचार करना और अपनाने की चेष्टा करनी चाहिए कि ये गुण हम में आ जाए, ये गुण आ जाए। सबसे बड़ा गुण है निर्वैर सर्वभूतेश, किसी भी प्राणी से, किसी भी व्यक्ति से द्वेष वैर नहीं रखना, मन में भी कभी किसी के प्रति दोष दृष्टि हो ही नहीं। ये हो सकता है यदि प्रहलाद महाराज के गुणों को बार बार पढ़ा जाए, उनके चरणों में प्रार्थना किया जाए, तो एक गुण आ सकता है। जैसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यदि भक्त कृपा कर देता है तो भगवान के सारे गुण आ जाते हैं। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, वैष्णव के प्रसन्न होने पर भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। यह कोई असंभव नहीं है। प्रहलाद महाराज की कृपा से प्रहलाद महाराज के कुछ गुण हम में भी हो जाएं, कृपा याचना करनी चाहिए। जय नृसिंह भगवान। नृसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान से प्रार्थना है, जय नृसिंह भगवान, जय श्री राधे। किसी के मन में कोई प्रश्न है,
माता जी हमको मालूम नहीं है। महाराज मालूम है आपको, राधा रमण महाराज, प्रहलाद जी को असुर वंश में क्यों जन्म लेना पड़ा, यदि मालूम है तो बताइए। नहीं मानते हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे माने, उनके प्रति भाव तो अपना वैसा ही रहना चाहिए जैसे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के पिता भगवान के विरोधी थे और भक्त के विरोधी थे, सबके विरोधी, पर प्रहलाद का भाव कितना सुंदर था, ये फिर भी मंगल कामना करते। वैसे मंगल कामना करनी चाहिए, जो व्यक्ति भगवान के रूप को नहीं स्वीकार करता है तो वो भी करेगा कुछ काल में भगवान की कृपा से।